सीएम सिटी करनाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां जिले में एक शख्स को इनकम टैक्स विभाग ने 9 करोड़ रुपए टैक्स भेजने का नोटिस भेजा है। इसके बाद से वह सदमे में है। सवाल यह उठ रहा है कि रोजाना 300 रुपए कमाने वाला 9 करोड़ रुपए का टैक्स कैसे भरेगा और उसे यह नोटिस किस आधार पर दिया गया। नोटिस में रेडी लगाकर पकौड़े बेचने वाले को करोड़ों रुपए का बकाया टैक्स भरने को कहा गया है। इस नोटिस के बाद करनाल में पकौड़ों की रेडी लगाने वाले बलविंदर का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। उनकी रातों की नींद उड़ गई। बलविंदर का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही कुछ सब्जी बेचकर रोज 400 रुपए कमाने वाले सुभाष सेठी के साथ भी हुआ है। उन्हें भी करोड़ों का नोटिस आया है। दरअसल यह मामला जीएसटी लागू होने के साथ वर्ष 2017 में हुआ था, जब बहुत से लोगों ने फर्जी कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी करने की कोशिश की थी। बहुत से ठगों ने किसी और के नाम पर कंपनी खोल दी ताकि जीएसटी में फर्जीवाड़ा किया जा सके। इस गड़बड़ झाले के चलते कागजों में बलविंदर श्री साई ओवरसीज कंपनी और श्री बालाजी इंटरप्राइजेस कंपनियों के मालिक है, जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, मगर असल में यह रेडी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। सुभाष सेठी ने बताया कि वर्ष 2017 में अर्जुन गेट स्थित उनके घर के पड़ोस में रहने वाले महिंदर बहल ने लोन दिलाने के नाम पर उनकी और उनके दामाद बलविंदर की आईडी ली थी, जिसका उसने गलत इस्तेमाल करते हुए पानीपत में जीएसटी में फर्जी फर्म रजिस्टर करा दी। उन्हें इसकी जानकारी तब हुई जब विभाग की ओर से पिछले साल फरवरी में टैक्स रिकवरी का नोटिस भेजा गया। सुभाष ने बताया कि इस मामले को लेकर वह कई बार अधिकारियों के भी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। यह भी बता चुके हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब फिर विभाग की ओर से रिकवरी के नोटिस भेजे गए हैं। बता दें कि ये दोनों कंपनियां पानीपत में रजिस्टर हैं और इस पूरे फर्जीवाड़े की एफआईआर भी पानीपत में दर्ज है। लेकिन नस्ली गड़बड़ झाला करने वालों पर अभी तक ना तो पानीपत पुलिस शिकंजा कस पाई है और ना ही इनकम टैक्स वालों ने कार्यवाही की है। जो डॉक्यूमेंट्स लिए आगे जाके गलत इस्तेमाल किए हैं। हम मैं गांव नेवल में अपने थोड़ा सा गुजारा करते पकौड़े वगैरह लगा कर 400-500 बढ़ाता हूँ जी। मेरा छोटा सा लड़का है 8-9 साल का जी, और मेरे माँ बाप बूढ़े हैं। उसके ऊपर साइन करा कर हमारी फोटो लगा कर और हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो लेकर हमारे को कहा उसने महिंद्रवाल ने 8 दिन के बाद तुम्हारा लोन हो जाएगा। तो हुआ क्या था उसके बाद? क्या हुआ था? उसके बाद महिंद्रवाल जेल में चला गया था किसी फ्रॉड में। ऐसा ही कुछ सब्जी बेचकर रोज 400 रुपए कमाने वाले सुभाष सेठी के साथ भी हुआ है। उन्हें भी करोड़ों का नोटिस आया है। बहुत परेशान करे जा रहा है, क्योंकि हमारे घरों में रोटी बने, जब भी इनका फोन आता है हमारे पास या कोई बुलाया जाता है, हमारे घर में रोटी पकड़नी मुश्किल हो जाती है। हम इतने परेशान हो चुके कि क्या करें, मरे तो क्या करें। हम हमारी कोई नहीं, दोषी जो है उनको पकड़ा नहीं जा रहा और हमारे कोई पूछताछ करा जा रहा है। मिंदर बैल तो कोई कुछ कहता नहीं पाया। मिंदर बैल से शर्म कहता पाया, मैं चंगा चढ़ा चढ़ा दी तो ताड़ा ही बिगड़ना, तेरा ही मकान बिगड़ना, तेरी जवाई जाना जेल, तेरा ही आदमी जाना, और कलू जहर खा के मां पुत्र तुसी दोवे मर जोगे। हुण ऐ उथों गांधी मंडी तो बड़ी मुश्किल नाल मैनू लैके आई हां। वह कहते 9 करोड़ रुपया दविंदर ही देगा, और नहीं तो मैं पुलिस बुला के ना हुण इन्हां नूं दोवां नूं रख लूंगा, 3-4 दिन बाद फिर बुलावांगा। जेबीडी बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.